नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BOS, इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, प्रकार है, ठीक है। दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन ग्रुप्स और बैचेस, जो हमारा क्या करता है, प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको चलाता है ग्रुप्स के रूप में, जिसको हम बोल सकते हैं बैचेस, ठीक है। तो जहां पर भी बैच वर्ड आ जाए उसका मतलब समझ आना है ग्रुप्स, ग्रुप में प्रोग्राम को चला रहे हैं हम, समूह में चला रहे हैं, ठीक है। रादर देन इंटरेक्टिवली विद अ सिंगल यूजर एट अ टाइम, इसकी बजाय कि वो क्या करे, सिंगल यूजर के साथ इंटरेक्ट करे, इसकी बजाय वो क्या करता है, हमारा ग्रुप्स में बैचेस में हमारा क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है, ठीक है, रन करता है। यूजर्स प्रिपेयर देयर इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमारे प्रोग्राम एंड डेटा, प्रोग्राम एंड रिलेटेड डेटा, ठीक है, इन एडवांस। तो जो हमारे यूजर उपयोगकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, पहले इंस्ट्रक्शंस को तैयार कर देते हैं, निर्देशों को तैयार कर देते हैं, प्रोग्राम्स और उसके रिलेटेड डेटा को एडवांस में ही पहले से ही, टिपिकली ऑफलाइन। और ये आमतौर पर कैसे करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, एंड सबमिट देम एज अ सिंगल यूनिट, उसको एक सिंगल यूनिट की तरह हमारा क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जॉब, जिसको हम बोलते हैं जॉब। तो जॉब वर्ड जहां पर भी आए आप समझ जाना कि प्रोग्राम एंड डेटा है, जिसको हम सिंगल यूनिट में क्या कर रहे हैं, हमारा सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं जॉब। दिस कुड इन्वॉल्व पंच कार्ड्स, अभी हमारा किस प्रकार से हो सकता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन तैयार किए गए हैं पंच कार्ड के रूप में, मैग्नेटिक टेप के रूप में, और प्री डिफाइंड मेथड्स, और कुछ पूर्व निर्धारित हमारे जो तरीके हैं उनके रूप में हो सकते हैं, ठीक है। या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास क्या है, यूजर है, ठीक है, उपयोगकर्ता जो क्या लिखेगा, हमारे इंस्ट्रक्शंस लिखेगा, प्रोग्राम एंड डेटा, ठीक है। तो ये हमारे यूजर वन, यूजर टू और एन यूजर, ऐसे मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, ऐसी प्रकार से हमारे जॉब हो सकती है, जॉब वन, जॉब टू, जॉब जॉब एन, ठीक है। ये क्या होगा, ऑपरेटर के पास जाएंगे, क्लियर है बात। ऑपरेटर क्या बनाएगा, इनके बैच बनाएगा, स्मूव बनाएगा, ठीक है, अलग अलग ग्रुप बना देगा, बैच वन बैच टू। तो बैच वन में हमारे क्या गया, जैसे जॉब वन जॉब फोर आ गई, बैच टू में जॉब टू जॉब फाइव जॉब सेवन, फॉर एग्जाम्पल। ये फिर इसको किसको प्रोवाइड कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देगा, जो सीपीयू की मदद से हमारे इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है, इसको समझेंगे हम, टेंशन मत लीजिए अभी। तो वर्किंग ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, कार्य देखते हैं किस प्रकार से हमारा करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम BOS वर्क्स बाय प्रोसेसिंग जॉब्स इन ग्रुप्स। तो जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो जो हमारी जॉब्स होती हैं उनको क्या करता है, ग्रुप में समूह में प्रोसेस करके क्या करता है, हमारा कार्य करता है। अनलाइक मॉडर्न इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो जो हमारे मॉडर्न, जो आधुनिक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके विपरीत, ठीक है, वेयर यू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो मॉडर्न जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारा क्या कहते हैं, संचार कर सकते हैं, संचार का माध्यम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे आधुनिक है, ठीक है। तो उनके बजाय जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, ग्रुप्स में करता है, हमारा प्रोसेस करता है डेटा को, ठीक है, जो हमारे मॉडर्न जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके विपरीत। तो मॉडर्न में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हियर्स हाउ इट फंक्शंस विद एन एग्जांपल, तो हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं किस प्रकार से कार्य करता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जॉब प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ये हमारा जॉब तैयार करेगा, ठीक है। इमेजिन यू आर अ प्रोग्रामर इन 1960s वर्किंग ऑन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर विद अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उस दौरान का है हमारा, 1960s के दशक का, डिकेड का, ठीक है। तो उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा। तो इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए, आप प्रोग्रामर है और 1960 में है और वर्क कर रहे हैं एक मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ विद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या है, एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यू राइट योर प्रोग्राम कोड, आप अपना प्रोग्राम कोड लिखोगे, जिसको हम बोलते हैं जॉब, जॉब वर्ड का मतलब समझ के रखना, ध्यान में रखना, इसका मतलब क्या, प्रोग्राम कोड, ठीक है। एंड एनी नेसेसरी डेटा ऑन पंच कार्ड, तो आप अपना प्रोग्राम कोड लिख रहे हो और जो नेसेसरी डेटा, जरूरतमंद डेटा है प्रोग्राम कोड के साथ, उसको लिख रहे हो पंच कार्ड की मदद से। ईच कार्ड रिप्रेजेंट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन और पीस ऑफ डेटा, तो हर एक जो पंच कार्ड है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को, एक सिंगल निर्देश को दर्शा रहा है, या फिर पीस ऑफ डेटा को दर्शा रहा है, एक डेटा के हिस्से को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा क्या पंच कार्ड है, ये एक पेपर होता है जिसमें हमारे पंचेस लगे होते हैं, ये आप देख सकते हो होल्स लगे होते हैं, इसके रूप में हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं, फिर इसको हमारा क्या किया जाता है, मशीन में डाला जाता है, इसको रीड किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, क्लियर बात। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हमारा वर्किंग का,
जॉब सबमिशन, जॉब हमने तैयार कर ली, प्रोग्राम कोड लिख लिया। वंस यू हैव ऑल द पंच कार्ड्स फॉर योर प्रोग्राम, तो मान लीजिए आपके पास आपके जो प्रोग्राम है उसके लिए सारे पंच कार्ड्स तैयार हो गए हैं, कि पंच कार्ड्स पे हम क्या कर रहे हैं, पीस ऑफ डेटा को लिख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को टुकड़ों में लिख रहे हैं एक तरह से, ठीक है। यू सबमिट देम टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, तो आप उसको क्या करोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर दोगे। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है, एक व्यक्ति विशेष है, एक बंदा है, एक ह्यूमन है, ठीक है, जो क्या करेगा, हमारा कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा, कंप्यूटर चलाएगा। दिस ऑपरेटर माइट हैव अ स्टैक ऑफ जॉब्स फ्रॉम डिफरेंट यूजर, इस ऑपरेटर के पास क्या होगा, हमारा जो जॉब्स है हमने तैयार करी थी उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग यूजर्स उपयोगकर्ता होंगे, उनके द्वारा जॉब्स तैयार की गई, उनका क्या लगा हुआ, एक स्टैक होगा, ढेर, तो जॉब्स का ढेर लगा हुआ ऑपरेटर के पास, ठीक है। फिर ऑपरेटर क्या करेगा, बैचिंग जॉब्स, जॉब्स को क्या करेगा, बैच करेगा, ठीक है, बैच मतलब ग्रुप्स में वो करेगा, कन्वर्ट करेगा उसको, समूह बनाएगा, गुट बना देगा उनके, ठीक है। द ऑपरेटर माइट ग्रुप सिमिलर जॉब्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, तो जो हमारा ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, सिमिलर जॉब्स के आधार पर, सिमिलर प्रोग्राम कोड के आधार पर उनको ग्रुप में डिवाइड कर देगा उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट के अनुसार, संसाधन के जरूरतमंद के अनुसार, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, ऑल द शॉर्ट प्रिंटिंग जॉब्स माइट बी ग्रुप टूगेदर, जितनी प्रिंटिंग की जॉब्स होंगे ना, प्रिंट करने वाली, वो क्या हो जाएंगे, एक साथ जोड़ उनको ग्रुप बना दिया जाएगा। वाइल लॉन्गर कैलकुलेशंस माइट फ्रॉम अनदर बैच, और जो हमारा दूसरी जो लॉन्गर कैलकुलेशंस है, बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं हैं हमारी कैलकुलेशन करनी है, उनको उनके लिए एक अदर बैच बना दिया जाएगा, बैच कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाएगा बैच में। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, जॉब प्रोसेसिंग, द ऑपरेटर फीड्स द बैच ऑफ पंच कार्ड्स इनटू कार्ड रीडर, तो ऑपरेटर क्या करेगा, जो हमारा बैच है पंच कार्ड्स का, उसको कार्ड रीडर में डालेगा, जो कार्ड रीडर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा जो होल्स बने हुए हमारे पंच कार्ड्स में, उनको इंस्ट्रक्शंस में, निर्देशों में, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, तो जिन निर्देशों को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उन निर्देशों में कन्वर्ट करेगा हमारा कार्ड रीडर, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम देन एग्जीक्यूट्स ईच जॉब इन द बैच सिक्वेंशियली वन आफ्टर द अदर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो भी हमारी जॉब है, जो भी हमने प्रोग्राम कोड लिखा है, उसको क्या करेगा, उन बैचेस को क्या करेगा, सिक्वेंशियली एक के बाद एक, वन आफ्टर द अनदर एग्जीक्यूट करेगा। देयर इज नो यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो यहाँ पर जो यूजर उपयोग करता है उसका ऑपरेटर सिस्टम के साथ हमारा क्या होगा, परस्पर कोई संवाद नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इस प्रक्रिया के दौरान। फिफ्थ पॉइंट का हमारा आउटपुट एंड रिट्रायल, हमें आउटपुट मिलेगा, वंस अ जॉब फिनिश, एक बार जॉब खत्म हो गई, ठीक है, जॉब पे का एग्जीक्यूशन हो गया, द आउटपुट जैसे कि लाइक प्रिंटेड रिजल्ट्स या फिर डेटा फाइल्स इज रिस्टोर्ड ऑन अ डेजिग्नेटेड डिवाइस लाइक अ लाइन प्रिंटर और मैग्नेटिक टेप, तो जैसे ही हमारी जॉब फिनिश हो जाएगी, जॉब पर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो हमें आउटपुट में प्रिंटेड रिजल्ट के रूप में, डेटा फाइल्स के रूप में, एक डेजिग्नेटेड डिवाइस हमारे उपकरण में क्या मिलेगा हमें, जैसे कि लाइन प्रिंटर या मैग्नेटिक टेप, हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। द ऑपरेटर माइट नोटिफाई यू व्हेन योर जॉब इज कंप्लीट एंड व्हेन वेयर टू फाइंड द रिजल्ट्स, तो जो ऑपरेटर होगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, वो क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा आपको, बता देगा कि आपकी जॉब कंप्लीट हो गई है और आप इसको कहाँ पर फाइंड कर सकते हो आपके रिजल्ट को, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जो मैंने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं ये यहाँ पर इसी प्रकार से दिखाए रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें यूजर ने क्या किया, जॉब्स को तैयार किया, प्रोग्राम कोड लिखा, ठीक है, पंच कार्ड्स के रूप में, ऑपरेटर को पंच कार्ड्स दे दिए, ऑपरेटर ने क्या किया, सिमिलर जो टाइप के पंच कार्ड्स थे उनको एक जो सिमिलर टाइप की जॉब्स थी हमारी, ठीक है, उनको क्या करें, एक बैच बना दिया, और जो सिमिलर थे उनका एक बैच बना दिया, दो बैच बने हुए यहाँ पर, दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया, आगे इस पर एग्जीक्यूशन किया गया, ठीक है, इस पर कार्य किया गया, क्लियर है बात। तो इस प्रकार से हमारा वर्किंग होती है हमारी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके क्या फायदे होते हैं, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो जो हमारे रिसोर्सेज संसाधन होते हैं सिस्टम के, उनको क्या करता है, एफिशिएंटली यूज करता है, कुशलतापूर्वक हमारा उसका उपयोग करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमाइज सीपीयू एंड डिवाइस यूटिलाइजेशन बाय प्रोसेसिंग जॉब्स सिक्वेंशियली मिनिमाइजिंग द आइडल पीरियड्स, तो जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर में उसका, और जो हमारा डिवाइस होता है उसका बहुत भरपूर तरीके से हमारा यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, बाय प्रोसेसिंग जॉब, जो हमारी जॉब से प्रोग्राम कोड को प्रोसेस करके सिक्वेंशियली एक के बाद एक मिनिमाइजिंग आइडियल पीरियड्स, तो हमारा इससे क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है उसका जो आइडियल पीरियड है वो कम हो जाता है, मतलब सीपीयू खाली नहीं रहता, उसके पास काम चलता रहता है सिक्वेंशियली, ठीक है। स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिंग, सुव्यवस्थित तरीके से हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। रेपिटेटिव टास्क आर ऑटोमेटेड, रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन एंड इंक्रीजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी, तो जो हमारे रिपीटेटिव बार बार एक जैसे टास्क हो रहे हैं उनको ऑटोमेट कर दिया जाता है, ऑटोमेट हो जाते हैं वो हमारे, जिससे क्या रहा, जो हमारे मैनुअल इंटरवेंशन है, जो मैनुअली मतलब हाथ से अगर आपको इंटरवेंशन दखल अंदाजी करनी पड़ेगी ऑपरेटर को, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इंक्रीजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी, जो हमारी ओवरऑल जो कुल मिलाकर एफिशिएंसी है, कुशलता है, वो बढ़ जाती है, क्षमता जो हमारी
सिस्टम की काम करने को बढ़ जाती है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कार्य क्षमता, ठीक है। हाई थ्रूपुट, ठीक है, हाई थ्रूपुट का क्या मतलब, बेस्ट सिस्टम्स कैन हैंडल हैवी वर्कलोड्स एफेक्टिवली बाय प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ जॉब्स एफिशिएंटली। तो जो हमारी लार्ज वॉल्यूम्स, भारी मात्रा में जो हमारी जॉब्स हैं, जो प्रोग्राम कोड है, उनको एफिशिएंटली, उनको उनकी जो कुशलतापूर्वक उनको क्या करना, प्रोसेस करना इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण, ठीक है, हैवी वर्कलोड्स जो ज्यादा मात्रा में हमारे प्रोग्राम कोड्स है उनको हैंडल कर सकता है, हमारा बेस्ट सिस्टम उनको संभाल सकता है, इसलिए इसको बोला गया हाई थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट का मतलब क्या है, जो हमारा प्रवाह है डेटा का, जो हमारा कार्य हो रहा है वो क्या होता है, हाई होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, लैक ऑफ इंटरएक्टिविटी, ठीक है। तो लैक ऑफ इंटरएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यूजर्स कैन नॉट इंटरेक्ट विद जॉब्स व्हाइल दे आर रनिंग। तो जब हमारी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही है, जब रन हो रही है, वो चल रही है, तो उस दौरान हमारा जो यूजर उपयोगकर्ता इंटरेक्ट नहीं कर सकता, संवाद नहीं कर सकता, ठीक है, बात नहीं कर सकता, एक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लिमिटिंग रियल टाइम फीडबैक एंड रिस्पॉन्सिवनेस, तो जिससे जो हमारा रियल टाइम का जो फीडबैक है या जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जवाबदेही हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के द्वारा, वो उसको वो क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज्ड टर्न अराउंड टाइम, जॉब्स में एक्सपीरियंस डिलेज ड्यू टू द वेटिंग इन द क्यू ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, लीडिंग टू अ लॉन्गर टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम्स का क्या मतलब है, जब टास्क हमारा स्टार्ट हुआ उससे लेकर फिनिश हुआ, उस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, शुरू होने से लेकर अंत होने तक हमारे टाइम को हम बोल रहे हैं टर्न अराउंड टाइम। तो इससे टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि हमारा जॉब्स क्या होती है, एक्सपीरियंस करती हैं डिले, देरी एक्सपीरियंस करती हैं, अनुभव करती हैं वेटिंग इन द क्यू, वो क्या एक पंक्ति में हमारा कहते हैं वेट करती है एग्जीक्यूशन के लिए, सिक्वेंशली होता है ना हमारा एक के बाद एक, तो उनको क्या करना, वेट करना पड़ता है, लीडिंग टू लॉन्गर टर्न अराउंड टाइम्स, जिसकी वजह से जो हमारे टर्न अराउंड टाइम्स है स्टार्ट होने से लेकर फिनिश होने तक जॉब का जो टाइम होता है हमारा वो बढ़ जाता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी लचीलापन होता है वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है। बैच सिस्टम स्ट्रगल टू अडेप्ट टू डायनेमिक वर्कलोड्स और चेंजिंग प्रायोरिटीज एज जॉब्स आर प्रोसेस्ड सिक्वेंशली। तो हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, बैच सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मुश्किल अनुभव करते हैं, जो हमारे डायनेमिक वर्कलोड्स है, जो हमारे चेंज होते रहते हैं वर्कलोड्स, या फिर हमारे चेंजिंग प्रायोरिटीज है, जो हमारी प्राथमिकताएं अगर वो चेंज हो रही हैं जॉब्स की प्रोसेसिंग करने की, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, वो कम होता है, क्योंकि हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, जॉब्स को सिर्फ सिक्वेंशली प्रोसेस करता है। तो अगर हम सिक्वेंशली की ना सिक्वेंशली की जगह कुछ और तरीके से करेंगे इसको, प्रायोरिटीज को चेंज कर देंगे, प्राथमिकता को चेंज कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी में, उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक हो जाएगा ना, उसके लिए चेंज हो जाएगा एनवायरमेंट, क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या कुछ डिसएडवांटेज है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो ये हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।